बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल जारी है। दिन में धूप और शाम ढलते ही आसमान पर बादलों का डेरा जमा रहता है। इसी क्रम में तापमान में उतार चढ़ाव शनिवार को भी जारी रहा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, इससे अधिकतम तापमान शुक्रवार की तुलना में शनिवार को 1.2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पछुआ हवा 6.3 किलोमीटर की गति से चलती रही है। अगले दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चलें, न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। वहीं 3 मई को उत्तर बिहार के सभी जिलों में पूर्वा चल सकती है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसलिए किसानों को भी सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। किसानों से कहा गया है वो सावधानी बरतने, क्योंकि उससे फसलों को गहरा नुकसान हो सकता है। 1 से 3 मई के बीच बूंदाबांदी, ग्रामीण दृष्टि, मौसम सेवा, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से 3 मई तक का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर ए सतार ने बताया है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों के आसमान में हल्के से मध्यम गरज वाले बादल छाए रह सकते हैं। अगले 1-2 दिनों तक वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है। वर्षा की संभावना हालांकि कम है, हालांकि उसके बाद मौसम परिस्थितियां अनुकूल रहने के कारण 1 से 3 मई के बीच वर्षा की संभावना बन रही है। 3 मई को वर्षा की संभावना थोड़ी रह सकती है। मेघ गर्जन एवं तेज हवा के साथ अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो किसानों को खास ध्यान रखने की जरूरत बताई गई कि किसान लोग खास ध्यान रखें। शनिवार को जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अनुसार अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, या सामान्य से 2.5 डिग्री कम रहा है। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, या सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह 7 बजे 79% तथा दोपहर 2 बजे 41% दर्ज की गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।